तुम्हें? अरे बताओ परी, ऐसी क्या चल रही थी कि तुम मार रहे हो? अरे मेरे पीछे रह, तुझे मना कर रही हूँ ना, मत छू, क्यों छू रहा है? मैं पागल हो गई हूँ, तू परी के साथ जबरदस्ती करेगा और मैं देखती रहूंगी? हो क्या गया तुझे? छू के दिखा, फिर से छू के दिखा उसे, मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं आज। रुक, कहाँ भाग रहा है? जा कहाँ रहा है तू? हाँ, कहाँ भाग रहा है तू? रुक। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? पागल है कि तूने परी को छुआ? अबे छू, छुआ तो हम लोगों ने साथ में डिसाइड किया, सबने प्लान साथ में डिसाइड किया था, सब कुछ रियल। तू क्या था? तेरी परी ने तुझे परमिशन नहीं छोड़ेगी। सुन, मैं मार दूंगा तुझे, अब तू नसीब आई ना, सर फोड़ दूंगा तेरा। पागल हो गए? अरे क्या पागल हो गए, हमने साथ में डिसाइड किया था सब कुछ, तू भूल क्यों जाती है सब कुछ? ने मेरी परी को बिना परमिशन के कैसे छुआ? मुझे पता है कि आप मेरे पीछे हो। जानती हूँ, और अब खुद तू भी सब जान ही गई है कि कैसे परी तेरी नजरों के पीछे क्या क्या गुल खिलाती है। गलती इसमें संजू की भी कम नहीं है, लेकिन मर्दों की फितरत ही ऐसी होती है। घर में चाहे कितनी भी खूबसूरत बीवी क्यों ना हो और कितना भी वो उसे प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन जैसे ही कोई ढंग की लड़की आसपास आती है, उनके कदम डगमगा जाते हैं। कब तक ऐसे दुख में डूबी रहेगी? बस मैं आ ही रही हूँ, पर एक काम कर, मुझे वीडियो कॉल करके तो दिखा कि कैसा बना है गाजर का हलवा। हाँ ठीक है। हाँ अब तो चुपचाप खड़ा होके ना परी को वीडियो कॉल पे देखना। अरे देख तो सही, कितनी सुंदर है वो। मुझे पता है बहुत सुंदर है, मैं बहुत बार देखा। एक बार और देख लेगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, पिन बन जाएगा तेरा राकेश, देखना प्लीज। ये देख, तेरे लिए बना रही। अच्छा मैं ना इसे फ्रिज में रख देती हूँ, जब तक तू यहाँ आएगी ना तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा, जल्दी आ जाना। बहुत अच्छा लग रहा है, बस मैं जल्दी से आती हूँ। ठीक है चल, मैं फोन रखती हूँ, बाय। ठीक है, देखा गाजर का हलवा बना रहे थे। हाँ। मेरा फेवरेट है, बहुत टेस्टी बनाती है पता है, और कितनी सुंदर लग रही थी ना। हाँ बोल, बोलना। तैयार हूँ मैं शादी के लिए। प्लीज मुझे बता दे, मुझे बता दे प्लीज। मतलब करना क्या चाहती है? मतलब तूने कुछ प्लान किया है ना मुझे मंडप से भगाने के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है परी। और देख तू मुझे समझने की कोशिश तो कर, राकेश अब बदल गया है, वो पहले जैसा राकेश नहीं रहा। देख मैं जानती हूँ तू मुझे बहुत गलत समझ रही होगी ना, अभी तुझे मेरी बातें गलत लग रही होगी, लेकिन बिलीव मी जब तू शादी कर लेगी ना राकेश से, तो तुझे रियलाइज होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, मैं सही थी। मैं ये शादी नहीं करूंगी नीति, मैं ये मुझे लगा तू सबके साथ राकेश के घर ये शादी कैंसिल करवाने गई है। लेकिन परी मेरी बात सुन, अगर परी का बच्चा नहीं गिरा है तो लाइफ उसकी नहीं मेरी बर्बाद हो जाएगी। मतलब ये कि परी मेरे पति पर डोरे डाल रही है।
उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है ताकि उसके बच्चे को बाप का नाम मिल सके। जो इंसान परी से शादी करने के लिए रेडी हुआ है वो बहुत अच्छा इंसान है। परी के पेट में किसी और का बच्चा है ये जानते हुए भी वो उसे शादी करने के लिए रेडी है, लेकिन बस उसकी एक ही शर्त है कि शादी से पहले बच्चा अबॉर्ट हो जाना चाहिए। इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया, तुम इस काम में हमारी मदद कर सकती हो। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, लेकिन मुझे मेरे पैसे समय पर मिल जाने चाहिए। तुम टेंशन मत लो, काम पूरा होते ही पूरे 50,000 ट्रांसफर हो जाएंगे। पूरी कहानी सुन ली ना, अब ये बताओ कि वो जड़ी बूटी कहाँ है जिससे तुम बच्चा गिराने वाली। ये रही जड़ी बूटी, इसे खिलाने के बाद अभी या कल सुबह एक बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल क्यों? वो इसलिए ताकि आप डॉक्टर के मुंह से ये सुन सको कि परी का बच्चा दिमागी तनाव के कारण अपने आप गिर गया। मुझे या फिर अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हो मुझसे? बकवास बंद कर और थोड़ा आराम से बात कर। बकवास? आराम? अरे आराम तो तुम लोगों ने मेरा आराम कर दिया है। क्या बोल रही थी तुम? अबॉर्शन हो जाएगा। हुआ क्या? मैंने परी को फोन किया, बिल्कुल ठीक है, अच्छे से बात कर रही थी, जबकि उसको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना। फिर क्या हो गया? वो घर पे क्या कर रही है? मैं सोच रहा था कि तुम लोग मुझे खुशखबरी दोगे, पर तुम लोग। हुआ क्यों नहीं? देखो शायद ना तुम लोग ना बोल रहे हो कि अगर वो बच्चा उसके पेट में रहा तो मैं परी से शादी नहीं करूंगा। तुम लोग ने यार मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोग ने। मैंने कहा था कि नहीं तुमसे, कहा था कि नहीं तुमसे। फिर क्या हुआ? अरे शांत हो जा, पहले मेरी बात तो सुन ले। बोलो। देख हमने कोशिश की थी, एक बार नहीं दो बार, लेकिन परी की किस्मत और घर वालों का प्यार उसका कवच बना हुआ है। पर तू टेंशन मत ले, मैंने जो प्रॉमिस तुझसे किया और खुद से किया है ना, मैं उसे पूरा करके रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना है। परी की किस्मत, घर वालों का प्यार, कवच, ये सब मुझे नहीं सुनना है। तुझसे क्या कहा था मैंने? दो दिन बचे हैं, दो दिन में शादी है। आज के दिन में क्या किया तुम लोगों ने? आज का दिन खत्म हो गया, रात हो गई, कल का आखिरी दिन बचा है। कुछ भी करो, परी का बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए, परी का अबॉर्शन हो जाना चाहिए। अगर कल के दिन में कुछ नहीं हुआ, नीति तू जानती नहीं है मुझे, मैं शादी नहीं करूंगा। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब, ये जो राकेश के ऊपर मैंने पूरा का पूरा थाल गिराया, तुम्हें लग रहा है कि मैंने एक्टिंग की है, सबको समझ में नहीं आया। आई नो, सबको सब कुछ समझ में आया, बट पर्सनली आई डोंट केयर। और दूसरा, सब लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं परी और राकेश की शादी के अगेंस्ट हूँ। तो इनोसेंट मैं नहीं, इनोसेंट एक्ट तुम कर रही हो। तुम अच्छे से जानती हो कि राकेश एक घटिया और नीच इंसान है, उसके बाद भी तुम उसकी शादी। क्यों रहूं चुप? तुम्हें जानने थे ना जवाब, तो सुनने की हिम्मत भी रखो नहीं थी। मुझे तो लगा था कि तुम परी और राकेश की शादी नहीं होने दोगे, लेकिन तुम तो साली धर्म निभा रही हो, खुद आगे बढ़ के सारे रीति रिवाज कर रही हो। बदल मैं नहीं गया हूं नीति, बदल तुम गई हो। वो नीति जो परी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, वो नीति जो अपने से पहले परी को रखती थी, आज तुम्हें उसके दुख दर्द, उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। क्या हो गया तुम्हें? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं शादी के खिलाफ, और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम किसी भी हाल में शादी कराना चाहती हो, पर तुम देखना कि